कि किस तरह से बेतरतीब तरीके से फैला हुआ है। मैं आपको मोसेस स्टिक तो बनाना बताऊंगी ही, साथ ही खास टिप भी बताऊंगी जिससे कि आपके मनी प्लांट के लीव्स बड़े बड़े चमकदार लश ग्रीन होंगे। तो इसका थोड़ा सा ले लेंगे हम, आधे चम्मच के करीब का मैं अंदाज से ले रही हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ज्योति आले मध्य प्रदेश से, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। लोजी हाजिर हूँ फिर से एक नई वीडियो और एक नई जानकारी के साथ। दोस्तों मैं आज एक ऐसे प्लांट के बारे में बात करूंगी जो हर घर में मिलता है और हर गार्डनर की पहली पसंद है। तो है वो कौन सा पौधा? सबका प्यारा राज दुलारा मनी प्लांट। बड़े ही खूबसूरत होते हैं ये, पानी में भी लग जाते हैं, मिट्टी में भी लग जाते हैं। यदि आप गमले में लगा रहे हैं तो उसे मॉस स्टिक में ही लगाएं, उसकी खूबसूरती में चार चांद लग जाते हैं। यूं तो मार्केट में मॉस स्टिक बहुत सारे मिलते हैं लेकिन थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं। जब हम घर में ही बना सकते हैं उसे तो मार्केट से क्यों खरीदें? तो आज मैं घर में ही मुफ्त में कैसे मॉस स्टिक बनाएं वो बताऊँगी। तो दोस्तों ये रहा मेरा मनी प्लांट का वो गमला जिसमें ये देखिए बिखरा बिखरा उलझा उलझा सा मनी प्लांट है। मैं इसे ना सही वक्त पर मॉस स्टिक नहीं दे पाई और ये देखिए किस तरह से बेतरतीब तरीके से फैला हुआ है। और ये रहा मॉस स्टिक में चढ़ा हुआ मनी प्लांट, लग रहा है ना सलीके से सजा हुआ, कितना खूबसूरत घना घना। ये उस मॉस स्टिक पे लगा हुआ है जो मैंने एक साल पहले बनाई थी और आप लोगों से वीडियो भी शेयर करी थी। आज की वीडियो में मैं आपको मॉस स्टिक तो बनाना बताऊंगी ही, साथ ही खास टिप भी बताऊंगी जिससे कि आपके मनी प्लांट के लीव्स बड़े बड़े चमकदार लश ग्रीन होंगे। तो मेरे साथ वीडियो में बने रहें, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। ये देखिए ये कोको वायर वाला मॉस स्टिक है जिस पे ये चढ़ा हुआ है और ये रहा मेरा बेतरतीब तरीके से फैला हुआ बिखरा बिखरा उलझा उलझा सा। तो आज इसके लिए मैं मॉस स्टिक बनाऊंगी और इसके लिए मैं यूज़ करूंगी इस मास्क को, ये भी टूटा हुआ है। इसको कई तरीक़ों से बना सकते हैं। यदि आपके पास में ग्रीन नेट है तो आप उससे बना सकते हैं, कोको वायर है उससे बना सकते हैं। तो आज मेरे पास ये सब कुछ नहीं है, मेरे पास में है आज और कुछ, उसी को यूज़ करके मैं बनाऊंगी अपने मनी प्लांट के लिए मॉस स्टिक। तो कैसे बना रही हूँ वीडियो में बने रहिए, देखिए बहुत ही आसान है और एक खास टिप भी बताऊंगी। तो मेरे साथ बने रहें और वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें। तो ये है बांस बेम्बू, वो भी टूटी फूटी हुई है। और ये लिया है मैंने सुतली, ये मेरे पास में पड़ी हुई थी, नारियल की रस्सी नहीं थी ये पड़ी हुई, तो इसी को यूज़ करूँगी। तो इसमें पूरा इसको रैप कर लूँगी और चलो दिखाती हूँ करके, बहुत ही आसान है। घर में ही वेस्ट पड़ा हुआ है, पता नहीं किस काम से के लिए आया हुआ था और इसको ही आज यूज़ करना है, तो मैंने थोड़ी बहुत इस तरह से अलग कर ली है। जितने गमले में गड़ाना उतना हिस्सा छोड़ दिया, यहाँ गांठ बांधी और क्या करना है, बस घुमाते जाओ, बहुत ईजी है। मैंने डबल करके किया है, यदि नारियल की रस्सी होती ना तो लपेटने में और आसानी होती। मॉस स्टिक में लगे हुए मनी प्लांट ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं, तो इस तरह से जुगाड़ करना है, लपेटते जाओ, आसानी से लपेटते चल जाता है। नीचे के हिस्से में इस तरह से पन्नी कोई भी लगा दें तो उससे क्या होता है ना दोस्तों कि लकड़ी के गलने का चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ऐसे करके ये ट्रिक है जिससे आपकी लकड़ी सालों साल चले और मजबूत रहे। ये जमीन में इसमें गड़ेगी, मिट्टी और पानी के संपर्क में रह के भी ये ख़राब नहीं होगी।
तो ये एक बहुत ही खास टिप है। कोई भी मोसिस टिप, कोई भी लकड़ी की हो तो उसको इसी तरह से आप कर दें, मजबूती बनी रहेगी और सालों साल चलेगी। तो हमारी मोसिस टिप तैयार है, तो इसको इस तरह से करना है, गाड़ देंगे और इसकी कटाई छटाई करके इसमें पूरा हम चढ़ा देंगे। तो ये बहुत ही खूबसूरत, सस्ता और सुंदर हमारा एक मोसी स्टिक तैयार है। तो जी देखिए दोस्तों, झटपट से मेरा मोसी स्टिक तैयार हो गया है और मैंने मनी प्लांट को इसमें अच्छी तरह से लगा दिया है और ये इस तरह से लग रहा है। कुछ दिनों के बाद में ये मनी प्लांट की तरह ही वो भी बन जाएगा बुशी बुशी। यदि आप मनी प्लांट के लश ग्रीन चमकदार पत्ते चाहते हैं तो एक खास टिप है, 15-15 दिनों में आप अपने किचन से ही फर्टिलाइजर ले सकते हैं। जैसे कि आपने दाल का पानी धोया वो आप इसे स्प्रे कर सकते हैं, फोलियज स्प्रे कीजिए इसके, और चावल का पानी होगा ये सारा कुछ आप इसमें स्प्रे कर सकते हैं। मैं अपने मनी प्लांट की देखभाल इसी तरह करती हूँ और रिजल्ट आपके सामने है। और एक खास टिप, इसके बड़े बड़े पत्ते बनाने के लिए उसके लिए एक खास टिप है, यह है रूटिंग हार्मोन पाउडर। तो इसका थोड़ा सा ले लेंगे हम, आधे चम्मच के करीब का मैं अंदाज से ले रही हूँ। आपके पास प्लांट कितने उस हिसाब से ये, मतलब इतना है ये पाउडर देखो। और इसका बना लेंगे हम घोल, अच्छी तरह से घोल बनाएंगे। मैंने अच्छे से इसमें घोल बना लिया और इसको छान लेंगे ताकि हमारे स्प्रे बोतल में ना फंसे। ये देखिए इस तरह से, और ये गिटली सारी इसकी निकल गई है। और ये इस पानी को हम 1 लीटर पानी में डाल देंगे। और अब इसका हम स्पेशली इसकी ऐसी जड़ों में डालेंगे तो इससे क्या होगा, इनका जो साइज है ना वो इंक्रीज होता है। इस तरह से फोलियज स्प्रे कीजिए आप, और इसकी ये यहाँ पे जहाँ रूट्स हैं वहाँ पे इसका फोलियज स्प्रे कीजिए। मेरे मनी प्लांट्स के पत्तों का साइज देखो, ये आप हफ्ते में 15 दिन में इस तरह से करिए इसका स्प्रे, यकीन मानिए आप कुछ दिनों में ही इसका रिज़ल्ट देख पाएंगे। ये देखिए जी कितने बड़े बड़े पत्ते हैं इसके, जबकि ये नॉर्मल वाला मनी प्लांट है। और ये देखिए जी इसको भी कर दूँगी, ये है इसकी रूट्स में पूरा, ये इस तरह से कुछ दिनों में ये भी पूरा भर जाएगा। तो फ्रेंड्स यही थी आज की वीडियो, आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इसकी जानकारी और लोगों को भी मिले। लाइक करें, कमेंट करें, और मेरी फैमिली का हिस्सा बनना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करके फैमिली को ज्वाइन कर सकते हैं। बेल आइकन को प्रेस करें, साथ ही ऑल को प्रेस करना ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद एंड बाय।